भाई साहब बहुत दिनों से क्या बहुत महीनों से रिक्वेस्ट आ रही थी। यहाँ पे देख लीजिए ऊपर से अजय राज की बैजिंग हुई हुई है, तो देख लीजिए कैसे कुछ रहते स्लीपर्स अपने मत। मैं भाई 150 से ऊपर बस जर्नी कर चुका हूँ आज तक, इतना दिल एक्सपीरियंस नहीं। तो स्वागत है आप सभी का बसेस की एक और नई वीडियो में। आज की अपनी जर्नी रहेगी पिलानी से उदयपुर। पिलानी से उदयपुर अपन जाएंगे अजय राज ट्रेवल्स में। भाई साहब बहुत दिनों से क्या बहुत महीनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, मतलब अभी मानिए कि लगभग 6-7 महीने से एक भाई बोल रहे हैं कि अजय राज ट्रेवल्स में वीडियो बनाएंगे, अजय राज ट्रेवल्स में वीडियो बनाएंगे। भाई एक्चुअली टाइम मतलब थोड़ा सा बैठ नहीं रहा और थोड़ा सा ये भी था कि एक दो बार कैंसिल हो गया था प्लान, तो इस वजह से बना नहीं पाया था, पर आज बना रहे हैं। तो पूरा बताऊँ कैसा रूट है बस का, कैसा कम्फर्ट है और क्या बस में एमिनिटीज मिलती है। तो करते हैं अपन जर्नी को स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ऐसी वीडियोस में लाता रहता हूँ, चैनल पर भी कर सकते हैं। करते हैं अपन जर्नी को स्टार्ट। सबसे पहले जी बस देख लीजिए, बस जो है भारत बेंज की है, एसी सीटर प्लस स्लीपर है। यहाँ पे देख लीजिए ऊपर से अजय राज की बैजिंग हुई हुई है, ये देख लीजिए 2x1 एसी स्लीपर को लिखा, पर ये सीटर प्लस स्लीपर है, आगे भारत बेंज की बैजिंग हुई हुई है और HNS से बनी हुई है बस। ये आपको वॉक अराउंड देता हूँ बस का, देख लीजिए यहाँ साइड से अजय राज की बैजिंग हुई हुई है। ये बस मेरे ख्याल से उदयपुर से फिर आगे डूंगरपुर भी जाती है, हालांकि मैं तो उदयपुर तक जर्नी करूँगा। पीछे यहाँ पे देख लीजिए इमरजेंसी एग्जिट है, यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह लिखा हुआ था, पर मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से बुकिंग और वेबसाइट भी आपको दे दूँगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और बाकी आप देख लीजिए जो अपने रूट के बीच में आएंगे, सीकर, जयपुर और झुंझुनू आएगा, सिराहा भी आएगा। बाकी देख लीजिए भारत बेंच की बैजिंग हुई हुई है जी। ये देख लीजिए इंटीरियर, ये देख लीजिए केबिन रहता है ऐसा कुछ, स्टाफ से बात अपन करेंगे बाद में। तो देख लीजिए ऐसे कुछ रहते स्लीपर्स अपने को, यहाँ ब्रेकफास्ट मिलता है पीछे, ये 2 का कॉम्बिनेशन है यानी कि 2x1 है बस, तो इस वजह से तो ये हो गया डबल स्लीपर। मोबाइल होल्डर हो गया, ये चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे हो गया, ये लोअर स्लीपर, ऊपर ब्लोअर हो गया इसी का, और ये जो हो गया शू रैक और बॉटल होल्डर भी है यहाँ पे, हालांकि शूज जो है अपने नीचे भी रख सकते हैं यहाँ पे। और सिंगल स्लीपर, तो ये देख लीजिए एक सिंगल स्लीपर बैकरेस्ट मिला हुआ है, वही चार्जिंग पॉइंट, मोबाइल होल्डर हो गया, एसी के ब्लो, रीडिंग लाइट ये हुई हुई, और आगे जो है शू रैक हो गई। अच्छा स्लीपर बना हुआ बड़ा वाला, और डबल स्लीपर भी मेरे ख्याल से, हाँ आपको ऊपर का डबल स्लीपर दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसा कुछ रहता है, वही सब कुछ सेम है, ये चार्जिंग पॉइंट और ये सब, बाकी डिटेल्स आपको देता हूँ आगे जाके, देखते रहिए आप लोग। सीट्स की फैसिलिटी तो 2 के कॉम्बिनेशन सीट्स मिलती है अपने को, पुश बैक सीट्स है ये, और सीट्स का जो फेयर रहता है स्लीपर से ऑफकोर्स कम रहता है, बताऊंगा आपको कितना कम है वो, देखते रहिए आप लोग। तो जो निकल चुके हैं हम लोग पिलानी में, जो है बस स्टैंड के यहाँ बोर्डिंग पॉइंट रहता है, और अभी हम लोग जो है वाया चिड़ावा और फिर झुंझुनू और बाकी जगह भी जाएंगे, दिखाऊंगा जो भी रहता है, देखते रहिए आप लोग। तो जी आ गया हूँ केबिन में अभी, और आपको बताता हूँ हम लोग पहुँचेंगे जयपुर लगभग रात को 11:15 बजे। बस में जो है 2 ड्राइवर और 1 कंडक्टर रहते हैं, फिर झुंझुनू आएगा और फिर उसका स्पीकर होके हम पहुंच जाएंगे जयपुर। कैबिनेट दिखा दो आपको अभी, और एक चीज़ और है कि बस जो है नॉन स्टॉप रहेगी, कोई डिनर का हॉल्ट या कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल नॉन स्टॉप जाएंगे हम जयपुर तक, देखते रहिए आप लोग। तो जी आ चुके हैं झुंझुनू, टाइम देख लीजिए लगभग हो रहे हैं अभी
उस रात के 8:02, 7 बजे निकले थे पिलानी से, 8 बजे पहुंच गए फिक्स, आप मानिए झुंझुनू। चिढ़ावा बीच में मतलब नहीं आया, पर भाई ये मैं मानना पड़ेगा, मैं भाई 150 से ऊपर बस जर्नी कर चुका हूँ आज तक, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा जोरदार एक्सपीरियंस है वैसा, अगर बस जो वैसा चल रही है और बिल्कुल स्पीड, मतलब बस फैन की अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, कंफर्ट वगैरह तो बस में है ही, और वैसा मैं जैसे केबिन में बैठा था मज़ा आ गया बिल्कुल, वैसा भी कहना पड़ेगा, मतलब ये मानिए स्पीड मेरे ख्याल से बस जो है लॉक नहीं है, मैंने आपको स्पीड दिखाई भी थी, हाँ तो सही है वैसे, इतना भाई जरूरत नहीं पड़ता, मेरे ख्याल से बस जो है 95 पे लॉक है, 80 पे लॉक नहीं पड़ी थी अच्छी, 80 पे लॉक कुछ फ़ायदा भी नहीं होता, 80 पे लॉक तो भाई बस भी चल भी नहीं पाती आराम से। बाकी अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, देख लीजिए अजयराज ट्रेवल्स का ऑफिस बना हुआ है, ये देखिए अभी कैसे दिखेगा, अजयराज ट्रेवल्स का ऑफिस बना हुआ है, जो अपना स्टाफ है वो क्लेम कर रहा है कि अपने भाई 11:15 बजे लगभग जयपुर पहुँच जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भैया आप पहुँच ही जाएंगे, पहले मुझे लग रहा था कि भाई ऐसे ही बोल रहे होंगे, पर भाई अब मुझे लग रहा है पहुँच जाएंगे, क्योंकि भाई ये तो यार जो स्पीड में बस चल रही है ना, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। बाकी कैबिनेट वगैरह जो भी रहती है दिखाता हूँ आपको मैं, देखते रहिए आप लोग। और जी आ चुके हैं हम लोग जयपुर,
यहाँ पर टाइम देख लीजिए आप लोग, लगभग हो रहे हैं रात के 12:15। हम लोग जो है लगभग 11:15 पहुँच गए थे, पर बस जो है अभी सिंधी गेम से घूम के आई तो वो इतना रहता ही है। बस अब ट्रेन के टाइम को बीट करने वाली बात है। पीछे ऑफिस बना हुआ है, देख रहे रेलवे स्टेशन के यहाँ पे हम लोग हैं और पीछे ऑफिस बना हुआ है। तो भाई साहब ये तो मैं कहूँगा स्पीड को अच्छी मान गया जैसे बस को। और भाई साहब एक चीज़ और है कि भाई जो स्टाफ है वो भी अच्छा है, वो स्टाफ भाई समय कदर कर रहा है। ये नहीं कि भाई हर एक ऑफिस पर रुक के भाई अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो डिस्कस कर रहे हैं, ये सब नहीं है। जो भी है भाई साहब गए, सवारी है तो बिठाया, नहीं तो भाई निकले। ऐसा नहीं कि भाई आप फालतू रुक के टाइम पास करने थे, ये चीज़ भी सही है। बाकी बस देख लीजिए आप लोग, यहाँ से बस तो अच्छी लगी रही है भाई साहब और इसकी मैंने वीडियो बनाई थी आपके लिए। ये भी मैं वीडियो आपको आई बटन दे दूंगा। और बाकी अपनी बस पे यहाँ पे खड़ी हुई है ही, और ऊपर से भाई साहब ये लाइटिंग वाली ये बढ़िया लगती है। फतेहपुरा इस बार।
तो जी आ चुके हम लोग उदयपुर और अभी जो है बस चली गई है क्योंकि बस तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप था, बस को आगे सांगवाड़ा जाना था, इस वजह से बस जो यहाँ पे ज़्यादा रुकी नहीं। वही मैंने बात बताया था आपको कि ज़्यादा भाई बस का रुकने का काम नहीं है, ऑफिस पे जाके ज़्यादा कि हाल चाल पूछना वो सब काम नहीं है, आएगी सवारी को उतारा और काम खत्म फिर भाई चलेगी आराम से, ऐसा नहीं कि भाई ज़्यादा स्टॉप है। तो ये चीज़ सही भी है और जर्नी अच्छी रही, बस वगैरह ठीक है, हालांकि थोड़ी सी मेंटेनेंस सही नहीं है पर वो आपको बाहर से दिख रहा होगा, अंदर से तो आपको पता नहीं चलेगा, अंदर से आपको अभी आपको अंदर ही बैठना है, बाहर से आपको क्या मतलब है। और बाकी ये है कि थोड़ी सी अनऑफिशियल बोर्डिंग रहती है पर वो तो यार इस रूट पे मिलेगी आपको, तो किसी में आ जाओ है ना। और बाकी रात को हॉल्ट वगैरह तो कुछ आया नहीं था क्योंकि ये जो रूट है उस पर किसी भी हॉल्ट नहीं आता, मैं पहले भी इस रूट पर जर्नी कर चुका हूँ तो कभी भी हॉल्ट नहीं आता इस रूट पर, तो ऐसा रहता है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए उदयपुर सर्कल जो है वहाँ पर हमको उतारा है और बाकी यही है। आप लोगों ने बोला था भाई अजयराज ट्रैवल्स की जर्नी करनी, तो मैंने जर्नी कर ली है पिलानी से उदयपुर रूट पर, तो यही है। बाकी भाई आप लोग को और कौन सी कौन जर्नी चाहिए ऐसे कमेंट कर दिया करो, थोड़ा सा टाइम लगता है पर मैं कोशिश करूँ जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने, एक्चुअली क्या प्लानिंग वगैरह करने में और ये सब चीज़ों में टाइम लग जाता है। बाकी यही है, मैं करता हूँ वीडियो को एंड, आप लोग कैसे लगे वीडियो बताए मुझे कमेंट सेक्शन में, लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिए कैसे लगा, क्या बेटर हो सकता है, शेयर कीजिएगा ताकि आपके लिए मैं और ऐसी जर्नी ला सकूँ और चैलेंज उठ जाइए। तो मिलते हैं अपन लोग किसी और नई वीडियो में किसी और नई जर्नी में, तो गुड बाय।